हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमने यूट्यूब चैनल ISPCS एकेडमी में। और वीडियो का आज जो है हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। तो हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में जो है GS के क्वेश्चंस को देखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको GS स्टैटिक प्लस करेंट अफेयर पूछा जाता है। तो उसी पैटर्न पर ये हम लोग जो है टेस्ट जो है वो आपका सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक समीक्षा, जो कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें एक टर्म आया था बिग टेंट, ये वर्ड आया था। तो इस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया है? तो ये जो देखिए आपका जो बिग टेंट है, इसका जो है जो यूज़ जो है किसके लिए किया गया है? तो इसका जो है सामाजिक अवसंरचना और रोजगार के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट के लिए बिग टेंट वर्ड का जो है यूज़ किया गया है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो आपका थर्ड है जाकिर हुसैन, हारमोनियम से संबंधित नहीं है, बाकी आपके बिरजू महाराज कत्थक से संबंधित हैं, बिस्मिल्ला खां शहनाई से और अमजद अली खां सरोद से संबंधित हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक जो भीमसेन जोशी हैं, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है वो किराना घराने से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि टेलीस्कोप की खोज जो है वो किस वैज्ञानिक ने की थी? तो टेलीस्कोप की सिंपल सा क्वेश्चन है, गैलीलियो ने की थी टेलीस्कोप की खोज, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी को कार्य करने के लिए एक हब की आवश्यकता होती है? तो हब की आवश्यकता किसको होती है? हब की आवश्यकता होती है स्टार को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट दिया हुआ है। चलिए 6th नंबर हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको चलिए देखते हैं कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की जो है कराधान राय व्यवस्था से संबंधित यहाँ पे जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो इसमें क्या क्या था? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, बिल्कुल सही यहाँ पे दिया हुआ है। और कारखाने के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा ऑप्शन निकल के आ जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 आर बोथ करेक्ट, यहाँ पे सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कहाँ पर बिम्सटेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना हुई है कोलंबो में, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय आद्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके शिलोंग पठार पर पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9th नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था, तो राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था? तो देखिए ये प्रभावित था आपका ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हटाया था या फिर इसको हराया था? दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो ये मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हटाया या फिर हराया गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो किसको नहीं होती है? एनालॉग सिस्टम को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जनसंख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे कहा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में स्लम जनसंख्या पूछी गई है, स्लम जनसंख्या का परसेंटेज कितना था? तो यहाँ पे 9.5% था स्लम जनसंख्या का परसेंटेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो इसी का नाम बदलकर हो गया था भारतीय स्टेट बैंक, जो आज हम लोग देखते हैं, इसका पहले नाम था द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो KCC योजना है वो किस वर्ष में लागू की गई थी या फिर स्टार्ट की गई थी? तो ये 1998-99 में जो है स्टार्ट हुई थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ई जो है वो संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? विटामिन ई से संबंधित कौन सा पदार्थ? तो टेकेफेरॉल को कहा जाता है विटामिन ई, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का जो है अभिभावक भी माना जाता है? तो किसको माना जाता है? ये माना जाता है उच्चतम न्यायालय को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका
करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है, तो ये है आपका दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक भारत का प्राकृतिक विभाजन पूछा जाता है, एक आपका यूपी का पूछा जाता है। तो भारत का अगर देखा जाए तो 4 है, और यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश के जलवायु प्रदेशों के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टोटल कितने हैं, 9 है ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो है कितनी उम्र के लोग अपना बीमा करा सकते हैं, तो ये 18 से 50 के बीच के जो लोग हैं वो बीमा करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है, तो ये हुआ है आपका शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2022 को किस शहर को संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक या फिर पर्यटन राजधानी किसको घोषित किया गया है, तो ये भारत का जो वाराणसी शहर है इसको घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ज़ेरिस्केपिंग जो है वो किससे संबंधित संकल्पना है, तो ज़ेरिस्केपिंग किससे संबंधित है, ये आपकी है जल बचाव से संबंधित भू सुदर्शनीकरण को कहते हैं ज़ेरिस्केपिंग। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वर्षा की अधिकतम मात्रा किससे प्राप्त होती है, तो ये जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है, तो इराक नहीं बनाता है, बाकी आपके अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान, ये तीनों ही की बाउंड्री जो है आपकी कैस्पियन सी से लगती है, इराक की बाउंड्री नहीं लगती है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ज़मीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया गया है, तो यह नंबर जो है कितने अंकों का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने की संभावना है आपके पेपर में, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी 16 जो है 16 अंकों का जो है आईडी नंबर जारी किया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौशल और उद्यमिता विकास राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर जो है विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है, तो ये आपकी की है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये जीता है बिहार ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्नलिखित में से जो है किसे प्रदान किया जाएगा, तो किसको ये देगा असम राज्य, तो ये देगा रतन टाटा जी को, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि COVID-19 के लिए दुनिया की पहली DNA वैक्सीन ZyCoV जो डी है इसको जो है किस कंपनी ने विकसित किया है, तो इसको किस कंपनी ने बनाया या फिर विकसित किया है, तो जाइडस कैडिला के द्वारा इसको जो है निर्मित किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य अपना स्वयं का इंटरनेट की सेवा प्रारंभ करने वाला देश का जो है पहला राज्य बन गया है, तो बेसिकली जाहिर सी बात है इस तरीके के इनोवेशन केरल में ही होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चेंजिंग द डायरेक्शन शब्द निम्न में से किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो ये प्रयुक्त होता है आपका खो खो में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो अभी हाल ही में कौन चुने गए, तो रानिल विक्रमसिंघे जो है राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं श्रीलंका के। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ने 3 देशों को सदस्यों के रूप में शामिल किया है, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य देश शामिल नहीं है, तो वही है कि आपको अगर तीनों पता है तो आप आराम से जो है आंसर कर सकते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि किस किस को ऐड किया गया, तो इसमें आप देखेंगे मंगोलिया, स्विट्ज़रलैंड और तजाकिस्तान को ऐड किया गया, सिंगापुर को इसमें ऐड नहीं किया गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया है, तो 34 नंबर का आंसर हो जाएगा विनीत सरन जो है हाल ही में लोकपाल बनाए गए BCCI के। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के पंजीकरण में देश का कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है, तो सबसे ज़्यादा पंजीकरण हुए हैं UP में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किन राज्यों ने हाल ही में सीमा विवाद को हल करने पर नामसाई घोषणा पत्र पर
हस्ताक्षर किए हैं। तो नामसाई घोषणा पत्र जो है, घोषणा जो है किन किन राज्यों के बीच में हुई है, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हुई है नामसाई घोषणा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत पेट्रोलियम ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए किस संगठन के साथ जो है सहयोग की पहल की है, तो ये किसके साथ में हुई है, बार्क के साथ में, भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ में हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलिंग साहित्य सम्मान 2021 की बात हो रही है, इन्हें हाल ही में जो है किसे सम्मानित किया गया है, तो 2021 का कलिंग साहित्य सम्मान ये किसको मिला था, ये मिला था देखिए तीनों को ही, कवि अरुण कमल, श्री विनाश द्वार, दिव्या दत्ता, तीनों को ही मिला, हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट उपयुक्त सभी को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ में अभी हाल ही में समझौता किया है, तो इस तरीके का समझौता किया है भारत ने वियतनाम के साथ, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद जो है कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो चलिए इस ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो ये कहाँ पर बनेगा आपके, तो ये आपका बनाया जाएगा लोथल में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, लोथल आपका कहाँ, गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ई रूपी जो है, ई रूपी प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित जो है किया गया, तो ये विकसित किया गया नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू किया, तो ये किसके द्वारा इनोवेशन निकाला गया है, तो ये SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये सुविधा शुरू की गई है। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जो है बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो बांसुरी महोत्सव का आयोजन हुआ आपका पीलीभीत में, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो है स्वदेश दर्शन योजना की बौद्ध सर्किट थीम की तरह जो है उत्तर प्रदेश की एक परियोजना सहित कितनी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, तो ये टोटल अब जो है 5 हो गए, 5 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि केंद्र सरकार ने किस राज्य या फिर केंद्र सरकार में नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, तो ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का प्रथम उप प्रबंध निदेशक जो है किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है गीता गोपीनाथ को, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो है किस स्थान पर भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया, ये आपका हुआ है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन पे आता है कि वेतन दर सूचकांक की नई श्रृंखला का आधार वर्ष क्या है, तो इसका आधार वर्ष है आपका वर्ष 2016, इसको आधार वर्ष जो है इसका माना गया है। 50वां और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत और किस देश ने जो है आर्थिक सहयोग के लिए 4 सूत्री रणनीति पर सहमति व्यक्त की है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में ये सहमति व्यक्त हुई है। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस जो है प्रैक्टिस सेट था 50 क्वेश्चन को, वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, तो उम्मीद है इन क्वेश्चन से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपका कोई फीडबैक या फिर सजेशन है तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।